असल दोस्तों वेलकम करते हैं आपका राकिब जिया की यूट्यूब चैनल में आज का हमारा टॉपिक जो है दैट इज साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी गिवन बाय एफ डब्ल्यू टेलर तो दोस्तों आप इस वक्त राकिब जिया की यूट्यूब चैनल देख रहे हैं अगर आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करें और साथ ही जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ लिंक जो है टेलीग्राम का फेसबुक का व्हाट्सअप का उसको भी ज्वाइन करें ताकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की जो सीरीज़ हमने शुरू की है फॉर यू जी एंड पी जी एंड फॉर बी बी तो इसके लिए इसका फ़ायदा आपको मिल सके तो हमारे हमने काफ़ी वीडियोज़ अपलोड किए हैं अभी तक उनको भी देखिएगा वो डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक मिलेगा आपको और आइंदा भी आगे हम और टॉपिक डिस्कस करेंगे तो आज का हमारा टॉपिक जो है दैट इज़ साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी गिवन

एंड ही इज़ द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच तो ये जो टेलर है जिस जिसका पूरा नाम फ्रेडरिक वसो टेलर जो जो यू एस ए में पैदा हुआ एटीन फिफ्टी सिक्स में और ये बेसिकली जो है बाई प्रोफेशन एक मैकेनिकल इंजीनियर था और ये फादर ऑफ पब्लिक जो है साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी इसको माना जाता है क्योंकि पहली बार जो है मैनेजमेंट को जो है साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी का जो कंसेप्ट है ये टेलर ने दिया था और इसके बाद काफ़ी लोगों ने जो है इसको सपोर्ट किया बिकॉज ही हैज़ रिटन मैनी सो मैनी बुक्स लाइक प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज़ वन ऑफ देम विच ही हैज़ रिटन इन नाइनटीन अलेवन सो अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी मैनेजमेंट इज़ अ ट्रू साइंस रेस्टिंग अपॉन क्लियरली फिक्सड लॉज रूल्स एंड प्रिंसिपल एज अ फाउंडेशन तो साइंटिफिक मैनेजमेंट में कहा जाता है कि जो मैनेजमेंट है एक ट्रू साइंस है जिसमें कुछ फिक्सड लॉज होते हैं कुछ रूल्स और कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं और साइंटिफिक मीनस जो होता है सिस्टमैटिक यानी ऑब्जेक्टिव अप्रोच और मैनेजमेंट मीनज गेटिंग द थिंग्स डन थ्रू अदर्स तो दैट मीनस साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब होता है सिस्टमैटिकली थिंग गेटिंग द थिंगस डन थ्रू अदर्स लोगों से काम करवाना सो साइंटिफिक मैनेजमेंट मीनज नोइंग एग्जैक्टली वॉट यू वॉन्ट टू डू बाई वर्कमैन एंड लुकिंग एट दैट दे डू इट इन द बेस्ट एंड इन द चीपेस्ट वे इट इज़ ऑल्सो नोन एज टेलरिज्म क्योंकि टेलर के नाम से ही इसको जाना जाता है तो साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी को हम टेलरिज्म भी कहते हैं तो so, इसलिए ये जो साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी का जो कंसेप्ट टेलर ने दिया था ये काफ़ी पॉपुलर हुआ और टेलर के बाद काफ़ी लोगों ने जो है इसको सपोर्ट भी किया और इनफैक्ट ये साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी जो है एक मूवमेंट बन गई टेलरस थ्योरी इज द थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट तो टेलर की जो थ्योरी है इसको थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट कहा जाता है और इसका जो मेन पर्पज़ था दैट वॉज इंप्रूविंग स्पेशली लेबर प्रोडक्टिविटी इकोनॉमिक एफिशेंसी So it was basically the old effort to apply science to the engineering of the procedure and management. So, however, there are many definitions. So he has adopted the many name from the shop management. Then it is the process management that it, it took the name of Taylorism or scientific process. Although Taylor is a pioneer of this theory, another seven leaders extended Taylor's effort. They were Henry, uh, Lorenz, uh, Coral, George, uh, Horace King, uh, मोरिस मोरिस सेंटफोर्ड ये जो लोग हैं इन्होंने भी जो है टेलर के कंसेप्ट को जो है सपोर्ट किया था वो दैट इज़ वाई कि जो साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी है जब हम इसके करेक्टरिस्टिकस की बात करते हैं तो इसमें पहले आता है दैट इज़ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज़ सिस्टमैटिक एनालिटिकल एंड ऑब्जेक्टिव अप्रोच टू सॉल्व इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम्स यानी साइंटिफिक मैनेजमेंट का असली मतलब जो है मकसद जो है वो ये है कि जो इंडस्ट्रीज के अंदर जो प्रॉब्लम्स होती है उनको सिस्टमैटिकली और एनालिटिकली एंड ऑब्जेक्टिवली जो है उनको सॉल्व करना न इट एम्प्लाइज साइंटिफिक टेक्निक्स इन मैथड्स ऑफ वर्क जो काम करने का तरीका है किसी भी इंडस्ट्री या किसी भी फैक्ट्री के अंदर उसमें साइंटिफिक टेक्निक को यूज करना लाइक चाहे वहाँ का रिक्रूटमेंट प्रोसेस है या सिलेक्शन है या ट्रेनिंग ऑफ वर्कर्स है इस सब में जो है साइंटिफिक टेक्निक को यूज करना दिस थ्योरी अटेम्प टू डिस्कवर द बेस्ट मैथड ऑफ डूइंग वर्क एट द चीपेस्ट कॉस्ट इस थ्योरी का जो असली मकसद था वो ये था कि उस मेथड को डिस्कवर करना जिसके जरिए से हम चीपेस्ट कॉस्ट पे जो है काम करवा सकें एनदर इज कॉपरेशन नॉट कॉन्फ्लिक्ट इज द एसेंस ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी कि साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी में कॉन्फ्लिक्ट की जरूरत नहीं बल्कि कॉपरेशन होता है क्योंकि ऑब्जेक्टिव ऑफ टेलर थ्योरी द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ टेलर थ्योरी इज दैट इट इज बेसिकली द मैक्सिमम इंप्रूवमेंट ऑफ वर्कर्स क्योंकि जो टेलर का जो कंसेप्ट uh, था साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी का इसमें वो चाहता था कि इम्प्रूवमेंट हो जाए वर्कर्स के काम के अंदर उनके स्किल्स के अंदर बिकॉज दिस इम्प्रूवमेंट शोज एफिशंसी एंड इफेक्टिवनेस परफॉर्मेंस सच डेवलपमेंट इज द एवोल्यूशन इन मैनेजमेंट प्रोसीजर एंड एम्प्लॉज एक्चुअल परफॉर्मेंस सो फॉर एग्जाम्पल ही हैज गिवन सम समब्जेक्टिव ऑफ द साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी लाइक प्रिवेंट द वेस्टेज Wastage of time. एनी टाइम जो ज़ाया हो रहा है इंडस्ट्रीज के अंदर उसको प्रॉपरली है यूटिलाइज किया जा सके और वेस्टेज को बटा, बचाया जा सके सेकेंड इज रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यानी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसको भी रिड्यूस किया जाए क्योंकि साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी जो है दिस थ्योरी अटैम्प टू डिस्कवर द बेस्ट मैथड ऑफ डूइंग एट अ वर्क एट द चीपेस्ट कॉस्ट क्योंकि इस थ्योरी का एसन एस ये है कि सबसे कम कीमत पे प्रोडक्शन तैयार हो जाए दैन थर्ड वन इज प्रिवेंट द सिक्योर द लेबर इन द इंडस्ट्री कि लेबर को जो है लेबर

क्योंकि जो साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी है टेलर ने इसके कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल दिए हैं जो यहां पे हम जो है डिस्कस करेंगे पहला प्रिंसिपल है साइंस नॉट द रूल ऑफ थम हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म एंड डेवलपमेंट ऑफ

We can say that these principles suggest thinking before doing. Second is harmony, not discord. That harmony, harmony should be in the group action. कि जो वर्कर्स है जो मैनेजमेंट है इसमें गिव एंड टेक रिलेशनशिप होना चाहिए क्योंकि टेलर चाहता था कि जो मेंटल रेवोल्यूशन है विच मीनज ए चेंज ऑफ एटीट्यूड ऑफ बोथ ग्रुप बेस्ड ऑन दिस प्रिंसिपल दे शुड शेयर देयर ओपिनियन एंड आइडियाज विद ईच अदर कि वो चाहता था कि मेंटल रेवोल्यूशन आना चाहिए जिसमें वर्कर और मैनेजमेंट के बीच में एक क्लोज और काफी क्लोज कनेक्शन होना चाहिए जिसकी बेस पर इसको बनाया जा सके थर्ड इज कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म यानी कॉपरेशन बिटवीन मैनेजर्स एंड वर्कर्स यानी जो वर्कर है और जो मैनेजमेंट है उनके बीच में कॉपरेशन होना चाहिए क्योंकि कॉपरेशन नॉट इज़ कंफ्लिक्टेंस ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी और इसलिए ये जो कॉपरेशन की बात यहाँ पे की है एट द सेम टाइम एम्प्लॉइज आल्सो कॉपरेट विद द मैनेजमेंट फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन क्योंकि अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को इम्प्रूव करना है तो उसके लिए हमें मैनेजमेंट और जो कॉपरेशन चाहिए इंडिविजुअलिज्म कहीं है नहीं कि सिर्फ जो मालिक है वो अपने बारे में सोचे जो सी है डायरेक्टर है सिर्फ वो मनमानी करे ऐसा नहीं हो सकता डेवलपमेंट ऑफ एवरी पर्सन टू हैज़ हर ग्रेटेस्ट एफिशियंसी एंड प्रॉस्पेरिटी यानी इक्वल डिवीजन ऑफ वर्क होना चाहिए बोथ वर्क फॉर वर्कर एंड एम्प्लॉय Employee should be the should be properly trained and selected scientifically. And it is essential for each organization for implementing this, tailor, this task. Taylor arranged. सम टेक्निक्स फॉर instance, वर्क स्टडी टाइम स्टडी मोशन स्टडी फैटिक स्टडी एंड method स्टडी तो ये डेवलपमेंट ऑफ एवरी पर्सन जो है ही ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पर द फोर्थ प्रिंसिपल दैन वी हैव फिफ्थ वन दैट इज मैक्सिमम नॉट रेस्ट्रिक्टेड आउटपुट यानी मैक्सिमम प्रोडक्शन होना चाहिए जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उसका एम है कि मैगजिम प्रोडक्शन हो मैगजिम प्रोडक्शन इज द बेसिक परपज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इन दिस केस टेलर हैज एम्फेसाइज प्रोडक्शन मैगजिमाइजेशन इन हीज प्रिंसिपल क्योंकि उसका एम साइंटिफिक मैनेजमेंट के जरिए से वो चाहता था कि जो कंपनीज की प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज किया जा सके क्योंकि जो बेसिकली मैनेजमेंट uh, है इसका मतलब होता है गेटिंग द थ्रू अदर्स यानी लेबर से वर्कर से काम लेना और सिर्फ काम ही नहीं लेना बल्कि क्वालिटी वर्क जो है और चीपेस्ट कॉस्ट पे जो है इसको अचीव किया जा सके scientific management is basically a true science. it has fixed laws, rules, principles which are universal. according to taylor, some principles are applied in all social activities, like home management, business management, university, church, etc. scientific management is stressed on specialization, predictability, technical competence, and rationality. टेलर बेस्ड हिज थ्योरी ऑन थ्री एक्शन टेलर ने जो इस थ्योरी को की जो बुनियाद रखी है वो तीन चीजों के ऊपर रखी है नंबर वन इज ए गुड वर्कर इज वन नॉट इनिशिएट एक्शन बट एक्सेप्ट ऑर्डर मैनेजमेंट टेलर कहता है गुड वर्कर वो नहीं होता जो कोई एक्शन इनिशियट करता है यानी जो कोई काम करने का डिसीजन खुद लेता है बल्कि जो दूसरे मैनेजमेंट के लोगों के ऑर्डर को फॉलो करता है सेकेंड इज एवरी वर्कर इज़ एन इकोनॉमिक मैन ही इज़ मोटिवेट बाई मोनिट्री फैक्टर्स कि हर एक वर्कर एक इकोनॉमिक मैन होता है इसलिए उसको खुश रखने के लिए उसको मोटिवेट करने के लिए हमें उसे मॉनेटरी बेनिफिट्स देने चाहिए यानी अच्छी सैलरी हैंडसम सैलरी देनी चाहिए इंसेंटिव देने चाहिए या बाकी फैसिलिटीज देनी चाहिए थर्ड इज ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शनिंग फंक्शनिंग कैन बी इम्प्रूवड विद द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक डेट मैथड्स कि ऑर्गेनाइजेशन का जो काम है उसको इम्प्रूव किया जा सकता है अगर उसमें साइंटिफिक मैथड्स को यूज़ किया जा सके जो उसने पहले भी हमने बोला कि रिप्लेसमेंट ऑफ रूल ऑफ थम विद साइंस कि हमें ट्रेडिशनल मैथड्स को छोड़कर हमें साइंटिफिक मैथड्स को यूज़ करना चाहिए वेनवर वी टॉक ऑफ द मेथड ऑफ़ वर्क इन एनी ऑर्गेनाइजेशन रिक्रूटमेंट प्रोसेस सिलेक्शन प्रोसेस और ट्रेनिंग ऑफ वर्कर्स जहाँ पर भी हम देखिए हमें साइंटिफिक मेथड उसको यूज करना चाहिए जिससे हमारी इंडस्ट्रीज की जो प्रोडक्शन है वो बढ़ जाएगा एफिशिएंसी बढ़ जाएगी क्वालिटी बढ़ जाएगा और कॉपरेशन वहाँ पे होगा एंड इक्वल डिवीजन ऑफ वर्क होगा इवन हारमोनी होगी हमारी तो यहाँ पे कोई डिस्प्यूट नहीं होगा और सब कुछ अच्छी तरह से चलेगा तो इसीलिए जो साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी है दिस इज़ नोन एज द मेजर मेन कंट्रीब्यूशन गिवन बाई द टेलर एंड आफ्टर दैट मैनी अदर थिंकर्स अदर एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर्स सपोर्टिड द मूमेंट एंड दैट इज़ वाई इट बिकेम ए वेरी पॉपुलर मूवमेंट थ्रू आवर द वर्ल्ड विच वॉज नोन एज साइंटिफिक मैनेजमेंट मूमेंट थैंक यू वेरी मच खुदा हाफिज़ आज का लेक्चर हम यहीं पर करते हैं अगर कोई कन्फ्यूजन होगा कोई क्वेश्चन होगा तो जरूर हमें कमेंट कीजिएगा लेकिन साथ ही हमारे चैनल वाकिब जहा को सब्सक्राइब करें शेयर करें और लाइक करें। और आगिंदा आने वाले जो वीडियोज़ हैं उनको भी देखते रहे थैंक यू वेरी मच खुदा हाफिज